हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक में मैं जो आपको स्टडी कराने वाला हूँ, मैंने आपको प्रीवियस नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने स्टडी कराया था आपको कि डेसिमल से बाइनरी एंड बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, आप उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल्स लेके आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी डेसिमल की बाइनरी कन्वर्ट नहीं हो रही है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में डालो, मैं उसकी पूरी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, और एक था हमारा ऑक्टल। तो चलिए हम लोग ऑक्टल को फॉलो अप करते हैं। नंबर थर्ड था हमारा ऑक्टल, ऑक्टल नंबर जिसकी आंसर हमारी 0 to 7 के बीच आएगी एंड कन्वर्टिंग क्वाड होगी 8, क्लियर। तो अभी हमने पास्टल जनरेट करनी है डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, तो तीन सवाल जनरेट हो गए। तो क्वेश्चन इज, ध्यान से समझोगे बहुत आसान है, आप इसको मत देखो कि बड़ा कंफ्यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखे हो तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान से आप एक बार देखो, टू चेंज डेसिमल टू ऑक्टल, क्वेश्चन नंबर वन, डेसिमल टू ऑक्टल, क्वेश्चन नंबर टू इज ऑक्टल टू डेसिमल, सो ऑक्टल टू डेसिमल, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री इज बाइनरी टू ऑक्टल, सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज बाइनरी टू ऑक्टल। नाउ क्लियर, तीन क्वेश्चन हमारा जनरेट हो गया। नाउ अब हम लोग करते क्या है, कोई भी डेसिमल नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लाइक 366 है, चलो मैं एक नया ले लेता हूं नंबर लाइक 473 ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लो, डेसिमल नंबर ये है, तो 473। अभी हम क्या करते हैं, 473 इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, और कन्वर्टिंग क्वाड इज 8, एज इट इज, फैक्टराइजेशन गुणनखंड याद रखो, 8 से आप इसे करो सॉल्व। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि 8 मतलब 473, ये जो हमारा ऑप्शन है 473, अगर ये 473 8 से कटे मतलब डिवाइड हो तो भी कटाना है, अगर ना कटे तो भी कटाना है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, एज अ रफ मैं यहां पे मेंटेन करता हूं, लाइक 473, आप ध्यान दो इसे 8 से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो कितना हो रहा है, 8 6 जा 48 हो रहा है, 8 5 जा 40 हो रहा है, क्योंकि अच्छा के 48 हो रहा है, एक बार जा रहा है, इसलिए मैंने 8 5 जा 40 किया। नाउ यहां पे 7 सॉरी 73 8 नामा 8 टाइम्स जा 72 जनरेट हो रहा है, शेष आपका क्या बच रहा है, 1, एज इट इज ये जो भागफल आया आप इसे यहां नोट कर दो और जो शेष आया इसे आप यहां नोट कर दो, मैटर इज क्लियर। फिर से देखो क्या 8 से लगेगा, ये बिल्कुल लग रहा है, सॉल्व करो, 8 7 56, 8 7 56 हो रहा है, शेष बच रहा है हमारे पास 3। अब आप बताओ क्या 7 लगेगा 8 से, नहीं लगेगा। तो आपको अब क्या करनी है, बहुत आसान सा टॉपिक्स है, क्वेश्चन वन जो थी डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट हो गई, ये थी डेसिमल और हमारा ऑक्टल आया 7, 3, 1, दैट इज ऑक्टल। मैटर क्लियर, बहुत आसान सा मैटर था जो आपको यहां पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू इज रीचेक, चेक कर लेते हैं कि भाई हमने जो ये निकाला ये सही है या गलत है, तो चेक कर लो 731 ऑक्टल टू डेसिमल। क्वेश्चन नंबर टू में यहां छोटा सा जनरेट कर दो, इतना नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू आप देखो, सबसे नीचे क्या है, सबसे ऊपर क्या है, उससे नीचे क्या है, उससे नीचे क्या है, उससे नीचे कुछ है नहीं है ना, छोड़ दो। अब यहां सॉल्व करो, इंटू इंटू इंटू, कन्वर्टिंग क्वाड है 8,
तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए 8 ही लेंगे एग्जांपल्स पे, तो 8 पे पावर 0 स्टार्टिंग आप 0 से करो, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, अगर और भी कोई संख्या होती तो 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 4 चलता, अगर ज्यादा यहाँ पे बड़ी डेसिमल नंबर होगी तो नीचे और जाएगा, तो स्टार्टिंग आपको 0 से करना और 8 ही रखना है, इधर से आपको कोई मतलब नहीं, इधर जो आएगा उसे वैसे छोड़ देना, पहले इसे सॉल्व कर लें। अब आप देखो, आपने बचपन में एक बात पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, चाहे 16 हो, 198 हो, 256 हो, अगर उस पे पावर 0 है उसका मान 1 होता है, ठीक है ना, तो 8 पे पावर 0 का मान कितना हो रहा है 1, 1 को 1 से गुणा करो कितना हो रहा है 1, 8 पे पावर 8 का 8 पे पावर 1 का मान क्या हो रहा है 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 24, 8 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है 8 into 8 64, 64 हुआ, और 64 गुना 7 करो कितना हो रहा है, तो हो रहा है 728, 742, 44, राइट अप देयर, आप देखो 448 हो रहा है, 448, आप इसको जोड़ दो कंप्लीटली, आप जोड़ो तो कितना हो रहा है 4 × 5 = 13, 13 4 × 6 = 7 हुआ, 4 × 4 हुआ 473, ये थी हमारी ऑक्टल कन्वर्ट, किसने हो गई डेसिमल में, तो फ्रैक्शंस ये थी हमारी ऑक्टल और ये कन्वर्ट हो गई डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, बाइनरी टू ऑक्टल मैटर क्या, तो सबसे पहले आपको 473 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि कैसे हम लोग बाइनरी में से कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 473 को आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस आपको पता ही होगा, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 1 शेष बचा, माइनस से आप कैलकुलेट करो, एंड 2 × 6 = 12, 1 शेष बच गया, कैसे हुआ, चलो मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, 473 है, आप देखो 2 × 2 = 4 कट गया, 7, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 6 = 12, 1 बचा, ये 1 को हमने यहां लिखा, 236 को हमने यहां लिखा, ये रफ वाला ऑप्शन का ध्यान रखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं, अब हमारे यहाँ ऑप्शन है 236, सॉल्व करो 2 × 2 से प्रोसेस में, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 0 बच रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 0 बच रहा है, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 9 = 18, 1 बच रहा है, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 1 बच रहा है, 2 × 7 = 14, 0 बच रहा है, 2 × 3 = 6, 1 बच रहा है, 2 × 2 = 1 बच रहा है, मैडम क्या, तो आप इसे कर लो फटाफट से, तो हमारी बाइनरी निकल गई ना, बाइनरी क्या आई, आप देखो यहां से नोट कर, 1 फिर नीचे क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0 0 0 0, फिर क्या है 1। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि मैं नीचे से नोट कर रहा हूँ ना तो वो ऊपर से नोट करके लिख देते हैं, तो भाई गलती हो जाएगा ऐसा, आप ध्यान देना, ये चीज से रिलेटेड बहुत एरर आती है, मेरे पास तो बहुत ऐसा केसेस आता है बच्चे से रिलेटेड कि उनकी बाइनरी टू ऑक्टल मतलब डेसिमल से बाइनरी तो कन्वर्ट हो जा रही है सही से, लेकिन वो जब बाइनरी से फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करता है तो गलती कर देता है, क्योंकि वो ऊपर से नोट कर रहा होता है, तो आप ध्यान दो, मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ लिखा, फिर ये मैंने यहाँ लिखा, फिर हमने ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, ऐसे करते हैं, ये चीज आप एकदम ध्यान देना, आप इस वाले पोर्टल पे भी आप ध्यान दोगे कि 1 सबसे ऊपर, 3 नीचे, 7 आप जब भी नोट करो तो नीचे से, आप ऐसा नहीं कि 1 3 7 यहाँ से लिख दो 1 3 7, गलत हो जाएगा, ये चीज की आप थोड़ा सा ध्यान देना, बारीकी से ध्यान देना, अगर आपके साथ कोई गलती आ रहा है तो आप ध्यान देना, मेरी वीडियो को बार बार आप एक बार देखो, 2-4 बार देखो, आपकी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा
बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बहुत आसान था, ये तो बाइनरी में आ गया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को बाइनरी में लाना नहीं था। क्वेश्चन था ये वाला संख्या हमें चाहिए 731, इससे कि बाइनरी से हमें चाहिए 731, तो आप इधर से रखिए का कोड लगाओ, ठीक है, इधर से आप 3 का कोड लगाओ, इधर से भी आप 3 का कोड लगाओ। कभी कभी केसेस में ऐसा होगा कि आपका एक दो संख्या आपका इधर बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं, 3 का कोड लगे तो ठीक है, नेक्स्ट कोड लगे, अगर एक भी रहे तो आप ऐसे लेके यहां पे रुक जाओगे, फिलहाल भी मेरे पास नहीं है। तो चलो आप इसे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है, ऊपर भी हम लोग क्या लेते थे, 1 का डबल करते थे, 2 का डबल 4, एक कोड है छोड़ दो, 3 कोड लगने का एक और कारण है, आंसर सभी 0 से 7 के बीच ही इसका है। तो अगर मान के चलो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 हो जाए तो 2 1 3 4 7 होगा, अगर एक संख्या और बढ़ जाए तब तो आंसर इसका बढ़ जाएगा ना, इसलिए इस पे 3 का कोड ही लगता है। फिर 1 2 4 दूसरा कोड खत्म, फिर 1 2 4 तीसरा कोड खत्म, 0 के सामने वाला कट करते थे, कट कर दो, इस वाले कोड में 1 बचा, इस वाले में क्या बचा, इस वाले में क्या बचा, 7 3 7 बचा ना, 4 2 6 1 7 7 3 1 that is option, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन नंबर 1 डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल, क्वेश्चन नंबर 2 ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 3 बाइनरी टू ऑक्टल, ये बाइनरी हमने निकाला और उससे फिर हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। आप वीडियो को पॉज करके इसे आप इंस्टॉल कर, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है या कुछ इश्यू जनरेट हो रहा है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिखो, मैं इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स वीडियोस में डालता रहूंगा, और मैं इससे नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको हेक्साडेसिमल से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स को लेके चलूंगा, ठीक है, थैंक यू।